क्वेश्चन नंबर कहां पर है आप? क्वेश्चन नंबर 9, सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो, एपी की सिक्स्थ टर्म क्या है? जीरो. देन शो दैट 33rd टर्म इज 3 टाइम ऑफ 15th टर्म. क्या दिया हुआ है? एपी की सिक्स्थ टर्म क्या है? A6 is equal to 0, right? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 9. 6 टर्म इज 0, right? Then show that 33rd टर्म क्या शो करना है? 33rd टर्म, परीक्षित आप यही कर रहे हैं. 33rd टर्म इज इक्वल टू 3 इनटू A. ये चलो उसको खत्म करो. 33rd टर्म इक्वल टू 3 इनटू A 15 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 15th टर्म. ये है क्वेश्चन. यस ठीक है. कैसे करोगे सर? d निकाल लेंगे. a प्लस 6 टर्म का फार्मूला बताओ. a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 0. 0 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा ओके. तो यहां से अगर हम देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों? -5d. Yes, इस रिलेशन को हम बना के छोड़ देते हैं. आगे कहीं आगे जरूरत होगी तो इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे. अब हमें क्या प्रूव करना है? 33rd टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 15th टर्म, राइट? तो ए 33 क्या होगा? ए 32d ए प्लस 32d ठीक है. ओके ए प्लस 32d. हम ऐसा करें a प्लस, अच्छा ये बताओ 15 टर्म, a 15, a 15 क्या होता है? a प्लस 14d और इसका 3 टाइम कितना होगा? a प्लस 42d. तो यहां से आप यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप 10d ऐड कर दो. ठीक है, 10d कितना ऐड कर, क्या ऐड कर दिया, राइट? और 10d माइनस भी कर दो. 10d को ऐड कर वो मैं बता, a प्लस 32d प्लस यहां 10d ऐड कर दो. क्यों किया? अभी आपको समझ आता है. 10d ऐड किया तो माइनस में भी 10d कर दो. ठीक है, प्लस में भी 10d कर दिया और माइनस में भी 10d कर. अच्छा बच्चे एक बात बताओ, a प्लस ये क्या हो गया? अभी 42d हो गया. कितना हो गया? 42d. माइनस में क्या है? 10d, राइट? अच्छा एक बात बताओ, यहां से माइनस 10d की वैल्यू बताओ. दोनों साइड 2a से मल्टीप्लाई करो. 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10d. समझ आया आपको? इस 10 माइनस ऑफ 10d के जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 2a. तो ये हो गया a प्लस 42d माइनस में 2a, नहीं प्लस में, माइनस 10d. पूरे की वैल्यू 2a है, प्लस का 2a है. इसलिए क्लियर हुआ? नहीं हुआ? Yes, तो क्या बन गया ये? 3a प्लस 42d. अब आप यहां से 3 कॉमन ले लो. अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं देन इट इज a प्लस 14d. a प्लस दिस इज a 33, राइट? सो a 33 इज इक्वल टू 3 इनटू, बताओ इसको, बताओ जरा. ये क्या 3a प्लस 42d, ये 15 है ये. ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से किया है. आप एक काम कर सकते हो बच्चों, इजी प्रूव करना है, इजी मेथड. जो आप ये कह सकते हो कि a 33 वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छा मेथड ये वाला जो मैंने किया. a 33 a प्लस 32d होगा, ठीक है. अच्छा और a 15 कितना होगा? 3 टाइम ऑफ a 15 कितना होगा? थर्ड टर्म a 33 a प्लस, इस a के जगह आप माइनस d रखो पहले, तो
प्लस में 32d कितना आ गया? 27d कितना आया? 27d. अब 3 टाइम ऑफ a 15 निकाल दो, कितना होता है a प्लस बताओ 14d. तो कितना हो गया ये 3, a के जगह रखो, a के जगह क्या रखोगे? माइनस 5d, 10 में 14d, बताओ कितना आ गया? 9. कितना? 9, 3 × 9d, कितना हो गया? 37d. अब इसको देखो, a 33 कितना है? 27d, और 3 ऑफ a 15 कितना है? ये भी 27d. तो आप क्या कह सकते हो? a 33 is equal to 3 time of a 15. तो दोनों मेथड्स में से आप जो से भी जैसे भी करना चाहो कर सकते हैं, दो मेथड्स आपके पास हैं जो जिस टाइप से आप करना चाहते हो। ये सर सर एक क्वेश्चन पूछना है, सो वो a 33 इक्वल्स टू 3 कॉमन a प्लस 14d से 3 * a 15 कैसे आएगा? a प्लस 14d क्या होता है? a प्लस 14d क्या होता है? a 15 की वैल्यू बताओ। A15D नहीं, 15 टर्म का फार्मूला बताओ। 15 टर्म का फार्मूला है ना, तुमको फार्मूला पता? A+14D टर्म का फार्मूला क्या होता है? A+N-1 × D टर्म का फार्मूला क्या होता है? A+N-1 × D तो A15 का फार्मूला क्या होगा? A+15-1 × D A+14D A15 क्या होता है? A+14D समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 10, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। सम ऑफ इज फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? डी फाइंड करना है, ठीक है? डिफाइन करना है। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है आपको? 5। A1 क्या दिया हुआ है? A1 इज इक्वल टू 5 एंड सम ऑफ इज फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स का सम S4 कितना दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना दिया हुआ है? हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, इसका क्या मीनिंग? हाफ A4। ये पहली 4 टर्म हो गई, A1 A2 A3 A4, पहली 4 टर्म, पहली 4 टर्म्स का सम अगली 4 टर्म्स के सम का हाफ है। हाफ ऑफ किसका? अगली 4 टर्म क्या? अगली 4 टर्म्स का मतलब बच्चों A5 A6 A7 A8 नेक्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, पहली 4 टर्म्स के सम को क्या लिखते हैं? S4 हाफ ऑफ yes. इसको क्या लिखोगे आप? इसमें मैं बिगनिंग की 4 टर्म ऐड कर दूं, A1 प्लस A2 कहां तक हो जाएंगी? A8 तक। बिगनिंग की 4 टर्म्स मैंने यहां पर ऐड किया ना, ठीक है? तो 4 टर्म ऐड किए तो 4 टर्म माइनस भी करनी पड़ेंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, समझ आया है आपको? पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल A5 मतलब A4 तक, पहली 4 टर्म ये तो पहले से ही थी, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऐड की मैंने, ऐड की और माइनस भी कर दी, ठीक है? भाई हमारे पास ये 4 टर्म्स थी, इसमें A1 से A4 तक की टर्म्स मैंने ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ बच्चों ये क्या हो गया? 1 से लेकर 8 तक की कंटिन्यूअस टर्म्स हो गई और उनका सम
तो क्या कह सकते हो आप इसको बताओ, एट टर्म्स का सम एस एट माइनस एस फोर, एस एट माइनस, समझ आया? तो हमें ये दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस एट माइनस एस फोर, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस एट माइनस एस फोर, क्लियर है? देखो जरा ये हमें सिचुएशन दी गया है, ठीक है? ओके अब बताओ एस फोर क्या होता है बच्चों, फोर बाई टू सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है? सम ऑफ एन टर्म्स, सर सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू n माइनस वन इंटू डी, फोर बाई टू टू ए टू इंटू फाइव प्लस एन माइनस वन, एन क्या है यहाँ पर, फोर टर्म्स का सम होगा तो एन क्या होगा, फोर, फोर माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी नहीं पता, दिस इज इक्वल, और ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एस एट, एस एट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है? ये तो हो गया एस एट माइनस एस फोर, फोर बाई टू, ये थोड़ा सा ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा, एक बार यहाँ पर वापस आओ, यहाँ पर वापस इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू एस फोर इज इक्वल टू एस एट माइनस एस फोर, समझ आया? एस को इधर ले आओ, एस फोर को इधर ले आओ, टू एस फोर प्लस एस एट प्लस एस फोर, प्लस एस फोर इज इक्वल टू, समझ आया? ये क्या हो गया, थ्री टाइम ऑफ एस इज इक्वल टू एस एट, क्लियर है? अच्छा, थ्री टाइम ऑफ एस फोर, बोलो फोर, एस फोर क्या होता है, फोर बाई टू टू ए टू इंटू माइनस फाइव टू इंटू फाइव फाइव टू ए प्लस थ्री डी एन माइनस वन, एन कितना है, फोर, चार टर्म का सम फाइंड करके तो एन क्या होगा, फोर, तो फोर माइनस वन करेंगे थ्री आ गया, थ्री इंटू डी, क्लियर हुआ ये? एस ए 8 by 2 2 a 2 into 5 plus 7d plus 7d n minus 1 n is 8 7d n minus 1 into, ठीक है बच्चों? इससे इसको कट कर दो 2 आ जाएगा, इससे इसको कट कर दो 4 आ जाएगा, ये कितना हो गया भी 3 into 3 into 10 2 into 10 plus 3d इस टू को यहाँ से काट भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बाकी, क्या बचेगा हमारे पास, 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 20 प्लस 40 20 प्लस 14 क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 30 माइनस 10 कितना, माइनस 10 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 14 माइनस 90 इज इक्वल टू 50 क्या आया, 10 इज इक्वल टू 50 10 इज इक्वल टू 90 और डी क्या आया, 2 समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 10 11 pth टर्म ऑफ ab इज q एंड qth टर्म इज p, देन शो दैट p प्लस q टर्म शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0, p प्लस qth टर्म इज 0, ये आपकी बुक में देखा था मैंने, क्वेश्चन किसकी, एक और
pH term of AP is Q. pH term of AP is Q. P. Sorry, Q. AP. pH term of AP is Q. Q. And तो यहाँ से बच्चों क्या कंक्लूजन निकला पीएच कम क्यू है तो इसका मीनिंग होगा ए प्लस पी माइनस वन डी माइनस वन डी दिस इज इक्वल टू क्यू सर ये थोड़ा आंसर टू है क्यूएच कम इज इक्वल टू पी तो इसका क्या कंक्लूजन निकला ए प्लस क्यू माइनस वन डी ए प्लस क्यू माइनस वन इनटू डी दिस इज इक्वल टू पी राइट अच्छा शो दैट पी प्लस क्यूएच कम इज जीरो बच्चों यहाँ से आप ए या डी में से कुछ फाइंड कर सकते हो सर कि क्यू और जो क्यू और पी इक्वल है देखो जरा इनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को ए कट गया तो ए कट हो जाएगा यहाँ पर क्या बचा डी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी क्यू माइनस ठीक है डी को कॉमन लो यहाँ क्या बचेगा डी माइनस वन माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस वन दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस डी डी को कॉमन लिया डी माइनस वन प्लस माइनस क्यू प्लस वन क्यू माइनस डी वन से वन को कैंसिल कर सकते हैं P इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी या एक काम करें यहां से चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा P माइनस क्यू अब दोनों साइड से P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कट कैंसिल कर सकते हैं इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू माइनस डी माइनस वन आ गया ठीक है डी माइनस वन आ गया कहीं पर भी डाल के आप ए निकाल सकते हैं डायरेक्टली इसमें डाल के जीरो ना प्रूव कर देखते हैं बाई वन ए क्या आएगा ए प्लस बी माइनस वन बी माइनस वन इज इक्वल टू एट क्योंकि क्या बन गया ए प्लस वन माइनस टू इसको राइट साइड में लेके जाओ ए प्लस वन इज इक्वल टू क्यू प्लस टू प्लस वन कैसे माइनस वन ये माइनस वन है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा ना ए इज इक्वल टू क्यू और ये उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस बाहर इसके माइनस है ना ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा ये बाकी एज इट इज ही रहेगा बस पी माइनस वन नहीं तो आप इसको ओपन करो आप इसको ओपन करो प्रॉपर और फिर राइट में शिफ्ट कर दो तो आपको पता लग जाएगा ठीक है करो तो प्लस ही होगा हाँ तो P प्लस हमने इक्वेशन वन से लिखा है ना ये माइनस वन है उधर गया तो प्लस हो गया आप इस ब्रैकेट को ओपन करो और फिर पूरा डिटेल लिखो इसका सर ए प्लस ए माइनस पी प्लस वन ए प्लस देखो ओपन करोगे इसको तो क्या आएगा माइनस पी प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्यू सो ए इज इक्वल टू पी राइट में जाएगा तो क्यू प्लस पी हो जाएगा प्लस पी माइनस वन ए की वैल्यू आ गई ठीक है अब आपको क्या फाइंड करना है पी प्लस क्यू एच टर्म फाइंड करनी है देखो ए ऑफ ए पी प्लस क्यू ए पी प्लस क्यू क्या होगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू बी ये होता है अच्छा ए की वैल्यू बताओगे माइनस इसकी वैल्यू बताओ पी प्लस क्यू माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस वन तो ये क्या बन गया पी प्लस क्यू माइनस वन एंड माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा P से आपको P कैंसिल कर सकते हो Q से Q कैंसिल कर सकते हो 1 से 1 कैंसिल करते हो तो आपके पास A ऑफ P प्लस Q यानी कि P प्लस QH टर्म ये क्या है ये P प्लस QH टर्म है ये किसके इक्वल आ गई जीरो के इक्वल आ गई ठीक है
सर उस वाले माइनस वन का क्या होगा? कौन से वाले माइनस वन? पी प्लस टू माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया इसलिए पी माइनस वन हो गया, पी माइनस हो गया, क्यू और माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया माइनस क्यू हो गया, माइनस वन और वन मल्टीप्लाई हो गया प्लस वन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर ए एंड एल। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है भाई? फर्स्ट टर्म है ए और लास्ट टर्म मान लेते हैं एनएच टर्म है, लास्ट टर्म क्या है एल। देन शो दैट एनएच टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड एनएच टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ए प्लस एल। एनएच टर्म फ्रॉम द बिगनिंग सम, शो दैट सम ऑफ एनएच टर्म फ्रॉम बिगनिंग। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, एक एपी है और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए और लास्ट टर्म क्या है एल। एल एल हमने ये फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इसका एनएच टर्म मान लिया। चलो छोड़ दो उसको। अच्छा देखो बच्चों, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू एल एल, ठीक है। एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट सर? इसमें लास्ट एल माइनस ए, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? एल माइनस ए ओवर एन माइनस वन, ठीक है बच्चों। इस ए पी का डी ए है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शो दैट एनएच टर्म सम ऑफ एनएच, यहां लगा लिख लेना सम, शो दैट सम ऑफ एनएच टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो यहां से एनएच टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या आएगी? ए एन, ए एन प्लस ए एन डैश एनएच टर्म फ्रॉम लास्ट। बिगनिंग से एनएच टर्म क्या होगी बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये मैंने आज आपको सुबह ही सिखाया था, आपको लास्ट से एनएच टर्म फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म को फर्स्ट बना दो माइनस डी और डी को कर दो नेगेटिव। अगर लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म को क्या बना लो? मान लो ये एक एपी है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच टर्म है इसमें, और यहां पर डी क्या है? वन है, ठीक है। अब एक तो बिगनिंग से तो एपी की कोई भी टर्म फाइंड करने का मेथड हम जानते हैं और लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी है तो इस एपी को रिवर्स लिख लो, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, और डी को अब डी देखो क्या होगा, डी माइनस वन। मान लो मुझे लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करनी है, इसको रिवर्स लिखने के बाद मैं बिगनिंग से थर्ड टर्म फाइंड कर देता हूँ, सेम ही आएगी ना। मुझे लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होगा? दैट इज रिवर्स लिखने के बाद और डी को नेगेटिव करने के बाद बिगनिंग से मैं थर्ड टर्म निकालूंगा तो भी तो यही आएगी। तो जब कभी भी आपको क्या फाइंड करना हो, लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना, तो एपी को रिवर्स लिखो और डी को नेगेटिव कर दो। तो ये तो एनएच टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है और ये एनएच टर्म फ्रॉम लास्ट है, प्लस एनएच टर्म फ्रॉम लास्ट यानी कि दिस। इसमें बच्चों जो लास्ट टर्म है, इस एपी की फर्स्ट टर्म ए है, फिर आगे की टर्म्स है और लास्ट टर्म कितनी है? एल। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगी एल और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? ए। जब रिवर्स किया तो डी पहले वाले डी का नेगेटिव हो जाता है, तो रिवर्स करने के बाद डी क्या बन जाएगा? इसका नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, ये डी बनना चाहिए। इसको देखो क्या बनेगा, ये माइनस ए माइनस एल अपॉन एन माइनस वन, माइनस को अंदर ले गए, ए पॉजिटिव हो गया और एल क्या हो गया? नेगेटिव। समझ आया आपको? तो इस एपी की एनथ टर्म लास्ट टर्म और फर्स्ट है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एल फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है बच्चों? माइनस
चलो अभी तो मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है, या की डैश कर देता हूँ, दैट इज के प्लस एन माइनस वन, पहले वाली एपी की, एपी का डी बताओ, एल माइनस ए अपॉन प्लस एल एल प्लस एन माइनस वन, आप डी बताओ सर, ए प्लस ए माइनस एल अपॉन एन माइनस एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल कर दो, इसमें भी एन ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस एल माइनस ए प्लस यहाँ पर एल प्लस एल प्लस एल प्लस ए माइनस एल, ठीक है, ए कैंसिल से एल कैंसिल, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, दैट इज ए प्लस एल, तो एन क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, और ये ए एन डैस क्या है, nth टर्म फ्रॉम एंड, इनका सम कितना चाहिए था हमें, ए प्लस एल, ये टू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 8, बच्चों 200 और 500 के बीच में, 200 और 500 के बीच में 8 से डिविजिबल कितने नंबर है, कैसे पता लगाएंगे, देखो बच्चों सबसे पहले तो 200 को 8 से डिवाइड करके देखो, क्या 200 8 से डिवाइड होता है, होता है 25, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 डिवाइड हो रहा है, तो पहला नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो 200 ही होगा, अगला नंबर जो डिवाइड होगा इसमें 8 ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट नंबर जो होगा 216 होगा, करते रहो, लास्ट नंबर 200 सॉरी लास्ट नंबर 8 से डिविजिबल क्या होगा, 496, तो 500 को आप 500 को आप 8 से डिवाइड करके देखो, 496 60, 62, यानी कि 500 से जो चार, सुनो 500, अरे भाई 500 से जो नंबर 4 लेस होगा, 4 लेस होगा वो नंबर एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर आएगा 496, क्योंकि रिमाइंडर 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, तो इसमें से आप 4 माइनस कर दो, 496 को आप डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता, यानी कि जो लास्ट नंबर डिवाइड हो सकता है 8 से वो क्या है, 496 है, करेक्ट, ऑलराइट। अब देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी 200 है और लास्ट टर्म 496 है, मुझे फटाफट n निकाल के दिखाओ, n क्या होगा, सिर्फ n an is equal to 496, an को 496 अज्यूम करेंगे, जल्दी करो, 38 आ रहे हैं, बॉम्बे 37 दिया, ठीक है, देखो जरा, a plus n minus 1 into d, that is 496, a की वैल्यू क्या है बच्चों, अच्छा एक बात और बच्चों, यहां पर बोला है बिटवीन, इन बिटवीन, तो 200 को नहीं लेना, बिटवीन बोलता है, 200 बिटवीन बोलता है तो बिगनिंग वाले को भी नहीं लेना और लास्ट वाले को भी नहीं, 208 अगर फ्रॉम बोलता है, फ्रॉम क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम, तब दोनों लिए जाएंगे, फ्रॉम 200 टू 500 तो दोनों को इंक्लूड करता है, तो यहाँ पर आप ए को 200 नहीं ले सकते, मतलब आपको 200 और 500 के बीच में लेना है ना, तो ना तो आप 200 ना तो आप 200 को इंक्लूड करेंगे ना 500 को इंक्लूड करेंगे, सो इनके बीच में जो 8 से डिविजिबल नंबर है वो ये है, ठीक है, 200 को आप नहीं लेंगे, राइट, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी 208, ठीक है परीक्षित, फर्स्ट टर्म आपकी बेटा 208 होगी, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी कितना है बच्चों, 8, दैट इज 496, करो जरा सिंप्लीफाई, एन माइनस वन इंटू 497
पहले इस क्वेश्चन को करो अभी। हाँ कितना बचा, बाकी बचा 37, ठीक है। तो 200 और 500 के बीच में ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो सकते हैं वो कितने हैं? 37। इस सब में यहाँ थोड़ा सा एरर लग रहा है, इसको अभी स्किप कर सकते हैं। 31 नहीं होगा बीच में, 31 हाँ यही लग रहा है कि 31 बीच में नहीं होगा। हाउ मेनी, चलो 31 को हटा के करके देखते हैं, ठीक है 31 को हटा देते हैं एक बार, फिर करके देखते हैं। अगर 31 हटा दिया तो 15 पहले आएगा, फिर 13 पहले, ऐसे फिर कम नहीं होगा। How many terms of AP 17, 15, 13, 11 must be added to give some 72? ठीक है? 32 minus 4 to give some 72. Explain the double answer. चलो 14 को अभी रहने देते हैं, 14 को बाद में करेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 63। AP की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम क्या है? 63। S7 कितना दिया हुआ है? 63। एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स 161। नेक्स्ट 7 मैंने बच्चों आपको समझाया है, नेक्स्ट 7 जब आता है ना, पहले 7 टर्म्स ये 7 तक और फिर ए 8 से लेकर अगले 7 यानी कि ए 14, आपको इन टर्म्स का सम नेक्स्ट 7, ये नेक्स्ट 7 है। नहीं नहीं 7 से आगे की 7 टर्म्स बेटा, ये 14 तक ही होंगी, ठीक है। अगले वाली 7 टर्म्स की बात कर रहे हैं, मतलब इनकी बात कर रहे हैं, इनके सम को आप लिखोगे S7 और इनके सम को आप क्या लिखोगे? S14 माइनस S7। इनके सम को क्या लिखोगे? S14 माइनस S7। पहली 14 टर्म्स के सम में से आप 7 पिछली 7 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो अगले वाली 7 टर्म्स का सम आपके पास बाकी बचेगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया है S14 माइनस S7 कितना दिया हुआ है, बोलो जरा वहां से। 161 ये दिया हुआ है, ठीक है। 28 कौन सा सम कर रहे हैं हमें भी, हम ये 15 वाला। नहीं चल रहा, चलो देखो जरा। अच्छा बताओ S7 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 63 है, इज इक्वल टू 161। तो S14 की वैल्यू कितनी आ गई? S14 इज इक्वल टू 224। S14 इज इक्वल टू 224, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, S7 क्या होता है? S7 63 गिवन है आपको। S7 होता है 7/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 6d दैट इज इक्वल टू 63। 7 से इसको कट कर दो, 7 9 जाए तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18। और अगर आप यहाँ से 2 कॉमन करके कॉमन निकाल के कैंसिल करना चाहते हैं तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वेशन 1, करेक्ट। अब सेकेंड इक्वेशन को देखो, S14 आपको क्या दिया हुआ है? 224। S14 14 by 2 2a, what is 2a? 2a तो 2a ही रखेंगे। 2a plus n minus 1, what is n?
फोर्टीन थर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन माइनस वन इन टू डी दैट इज इक्वल टू 224, ठीक है, ये कट होगा 7 आएगा, 7 से इसको कट कर दो बच्चों, 7 से ये कट हो रहा है, 7 32, यहाँ पर आपके पास बाकी आ गया 2a प्लस 13d दैट इज 32, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से आप a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगी 9 माइनस 3d डाल दो यहाँ, 2 इंटू 9 माइनस 3d प्लस 13d दैट इज 32, करो सिंप्लीफाई और d की वैल्यू फाइंड करो, d इज इक्वल टू 2, डी 2 आ गया, तो ए क्या आ जाएगा, क्या आ गया डी 3, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड 28th टर्म ऑफ ए डी, ठीक है ना, 28th टर्म ए 28 फाइंड करना है, दैट इज ए प्लस 27d, करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एपी में